बगैर टमाटर की सब्जी फ्रेंड्स इस तरह से बनाएंगे तो इसके आगे सारी सब्जियां फेल हो जाएंगी। तो चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही कम ऑयल में भी बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने एक पैन ले रखा है जिसमें कि 2 चम्मच ऑयल डाल लिया है, और इसमें हम सबसे पहले ये कटे हुए प्याज डाल देते हैं, 2 से 3 हरी मिर्च है और कुछ लहसुन की कलियां हैं, उनको डाल करके थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, इनको ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। अब मैंने पनीर ले रखा है जो कि 500 ग्राम के बराबर है, तो इनके क्यूब्स मैंने काट लिए हुए हैं। तो चलिए इनको फ्राई करते हैं बटर में। तो मैंने 1 चम्मच बटर डाल लिया है। अब कटे हुए पनीर क्यूब्स को उसमें डाल देंगे। इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए इसमें फ्रेंड्स हम कुछ चीज़ें डाल दे रहे हैं। तो ये कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 चम्मच है, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच है, 1/2 चम्मच नमक है, और ये काली मिर्च है, कसूरी मेथी है। तो इन सभी चीज़ों को हम इसमें डाल ले रहे हैं। इनको डालने के बाद इनको अच्छे से हम चला लेंगे ताकि ये सभी चीज़ें एक में अच्छे से मिक्स हो जाएं। इनको 2 से 3 मिनट भून लेंगे अच्छे से ताकि जो मसाले हमने इसमें डाले हैं अच्छे से कोट हो जाएं। सभी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं तो अब हम गैस को ऑफ कर दे रहे हैं। पनीर की ग्रेवी के लिए हमने ये फ्रेंड्स, चूँकि बिना टमाटर का बना रहे हैं, तो हमने ये 2 चम्मच दही ले रखा है। तो इसमें कुछ मसाले हम ऐड कर दे रहे हैं। तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच जीरा पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, ये 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर है, 1/2 चम्मच गर्म मसाला पाउडर है, कसूरी मेथी है, और नमक 1 चम्मच है जो कि स्वाद के अनुसार ही है। तो इन सभी चीज़ों को इस बाउल में हम डाल करके इनको अच्छे से हम फेंट लेंगे ताकि दही का जो लम्स ना रहे। इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, आप चाहें तो दही की मात्रा थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। इनको फिर से मिला लेंगे। इन मसालों को एक तरफ रख देते हैं। तो कढ़ाई ले लिया है जिसमें कि मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया हुआ है, आप चाहें तो सिर्फ बटर में बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ खड़े गर्म मसाले लिए हैं, ये दालचीनी है, जावित्री है, इलायची है बड़ी वाली, काली मिर्च है, 2 लौंग है और 1 छोटा सा तेजपत्ता है। मसाले चटकने के बाद जो हमने ये प्याज वाला जो पेस्ट बनाया हुआ था तो इनको अब डाल देते हैं। सबसे पहले इनको हल्का हल्का हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। प्याज को 3 से 4 मिनट भूनने के बाद ये जो हम मसाले वाला घोल तैयार करे थे इसको भी इसमें मिला देते हैं। इनको अच्छे से धीमी आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए हम भूनेंगे। मसाले बहुत अच्छे से देखिए फ्रेंड्स भून गए हैं और ऑयल भी बिल्कुल रिलीज हो गया है। तो इसमें हम ग्रेवी पकने के बाद ये जो पनीर हमने रखा हुआ था भून करके इनको अब इसमें मिला देंगे। इनको भी हमने 1 मिनट के करीब भून लिया है और इसमें आप चाहें तो या तो इनको ऐसे ही उतार लें या इसमें ग्रेवी डालना चाहते हैं तो आप इसमें ग्रेवी डाल दें। तो हम थोड़ा सा बस पानी डाल रहे हैं 1/2 कप के करीब। दो मिनट के लिए ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से बगैर टमाटर की सब्जी बनाएंगे। तो इस सब्जी के आगे ढाबा और रेस्टोरेंट का सब्जी भी फेल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।
आप इस तरह की सब्जी को फ्रेंड्स लंच में, डिनर में कभी भी बना के एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्रेंड्स ज़रूर किया करें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो साथ में सपोर्ट भी किया करें।